बेकार तुम लोग फाइन फाड़ो यार, डिसिप्लिन तभी आता है। सिग्नल जो भी तोड़ा उनका फाइन फाड़ो तुम। जी भैया चाय की प्याली भी दे दो उसमें। आज 9 दिसंबर शांगंज कमान जो एक तारीखी इमारत है, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस सीबीआई सर और हमारे टाउन पीएसआई प्रभाकर सर यहाँ पर मौजूद हैं। बार बार हमने ट्रैफिक सीबीआई सर को और पीएसआई सर से कहा था और हमारे टाउन के पीएसआई सर प्रभाकर सर से भी कहा था कि यहाँ पर हमेशा ट्रैफिक जाम होती है, यहाँ पे सिग्नल लगाए जाएं। तो अवाम के तमाम मसाइल को देखते हुए आज यहाँ पर सिग्नल का ओपनिंग बीदर डिस्ट्रिक्ट के एसपी साहब आकर किए हैं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर बीदर के एसपी साहब का, हमारे ट्रैफिक सीपीआई साहब, ट्रैफिक पीएसआई साहब, हमारे बीदर के डीएसपी साहब, हमारे टाउन के सीपीआई सर और पीएसआई सर का। मैं ओल्ड सिटी और न्यू सिटी की अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर इतनी तकलीफ थी, सुबह बच्चे जब स्कूल को जाते थे जब ट्रैफिक का नज़्म बिगड़ जाता था, घंटों ट्रैफिक जाम हो जाता था, और जब बच्चे स्कूल से आते थे तभी भी जो है ना वही मामला पेश आते थे। कई सालों से जो है ना आवाम तकलीफ़ झेल रही थी और ख़ासकर त्योहारों के टाइम पर भी ट्रैफिक जाम हो जाता था, क्योंकि न्यू सिटी ओल्ड सिटी में आसानी से जाने के लिए सीधा रास्ता गावन चौक से ले कर पूरा बिजनेस पॉइंट शांगंज तक, शांगंज से ले कर बाबा साहेब अम्बेडकर चौरस्ते तक जो है ना एक सीधी रोड जाती थी। तो ये आज सिग्नल लगाने से मैं समझता हूँ थोड़ा सा ट्रैफिक जो जाम हो रही थी उसमें बहुत सारा अच्छा असर पड़ेगा, ट्रैफिक जाम नहीं होगी। और मैं ख़ासकर उस टू व्हीलर ऑटो और तमाम व्हीकल चलाने वालों से गुजारिश करता हूँ, आप लोग डिसिप्लिन से जो है ना अपने अपने व्हीकल चलाइए, कहीं पर भी गड़बड़ी से जाने की कोशिश मत करिए। थोड़ा सा जो है ना ट्रैफिक को अपन भी क्लियर कर सकते हैं, कहीं से अगर रॉन्ग साइड गुजार रहे हैं तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो मैं बीदर की आवाम से भी गुजारिश करता हूँ अपने अपने व्हीकल जो है ना डिसिप्लिन से चलाएं और ख़ासकर जो है ना ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें। मैं इतना कहते हुए तमाम पुलिस डिपार्टमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटका।